जब शर्मा जी के लड़के ने 12th क्लास में टॉप किया तो उनके पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, तुम स्टार बनोगे, ऐसे ही सफल होते रहो। यानी कि शाबाश यानी SWAS, और सफल मतलब है आपका सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, और स्टार का मतलब है सेफ थर्माइट क्रैकर। तो ये तीन जो नाम है ये दिए जाते हैं ग्रीन क्रैकर को। तो शाबाश आप पढ़ते रहिए, शाबाश आप स्टार बनेंगे, शाबाश आप सफल हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप ये चीज़ें याद रख सकते हो। इसके अलावा पूसा बायो डिकम्पोजर देख कर ये याद आता है कि पूसा बायो डिकम्पोजर जो IARI दिल्ली ने बनाया है, ये पूसा जो बायो डिकम्पोजर है ये एक तरीके से सातवां अजूबा है। ठीक है, इसको याद रख सकते हो। ऐसे ताजमहल को रिप्लेस कर सकते हो पूसा बायो डिकम्पोजर से। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, द रीज़न बीइंग कि 7 फंजाई जो होती हैं, फंगस जो होता है उसका, 7 टाइप्स की जो फंजाई है उसका कॉम्बिनेशन या मिक्सचर का हेल्प से इसको बायो डिकम्पोजर को बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। अभी तक ये जो था ये एक क्लिक बेट टाइप की चीज़ थी। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे विजन ISPD 365 के पार्ट नंबर 3 की। पिछले 2 पार्ट्स में हमने ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस पूरे को हमने कवर कर लिया है। उसके अंदर हमने ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव और मिटिगेशन मेजर पढ़ लिए हैं। एक बार क्विक इसका रिकैप करते हैं। क्या हमने अभी तक देखा, हमने एमिशन गैप रिपोर्ट देखी ग्लोबल सिनेरियो के अंदर जो यूनेप पब्लिश करता है, हमने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट देखी। इसके अलावा हमने बात की वहाँ पर कुछ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में छोटे छोटे इनिशिएटिव्स की, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी जो कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट है जो यूनेप और IEA लेकर आया था। इसके अलावा एडेप्टेशन में ही हमने एक बात की थी आपकी यूनेप के एक और इनिशिएटिव की जो था विद रेस्पेक्ट टू योर एमिशन वगैरह, उसकी हमने बात की। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करी, कौन लाता था। जब परफॉर्मेंस कर रहे होगे ना लाइफ में तो 3 बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ खड़े होंगे, यानी 3 लोग यहाँ पे हैं, जर्मन वॉच है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है और न्यू क्लाइमेट इनिशिएटिव नाम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 3 हैं। और इसके अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें टॉप 3 पोजिशन खाली छोड़ दी जाती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ में ही एक है क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वो जो रिस्क इंडेक्स है वो आपका लेकर आता है ओनली जर्मन वॉच। जब आप लाइफ में रिस्क में होते हो, जब आप सफल नहीं होते हो ना, तो फिर रिस्क में अकेले एक ही लोग होता है, जर्मन वॉच इज द ओनली थिंग दैट पब्लिशेज दिस रिपोर्ट। और एक चीज और याद रखना कि जो रिस्क रिपोर्ट है, जो रिस्क रिपोर्ट होती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट टाइप की, जहां पर टॉप 10 रिस्क क्या है इस ग्लो हमारे जो दुनिया है उस पर, तो वो रिपोर्ट जो रिस्क रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आता है क्लाइमेट रिस्क से, उसे कंफ्यूज मत कर लेना। दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को कौन मेजर करेगा। यहां पर बात सिर्फ डाटा की नहीं हो रही, डाटा लाना कैसे, टेक्निकलिटीज की बात हो रही है। इसलिए हमने देखा था कि WMO इज देयर टू बेसिकली रिलीज द थिंग्स इन दिस इन सो फार एज द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, तो जो क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वहां पे क्लाइमेट मेजर किया जा रहा है कि कितना हो रहा है, क्या बढ़ रहा है और कितना जो सी लेवल राइज है वो कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट और क्लाइमेट सर्विस इनिशिएटिव वगैरह भी WMO का ही है। WMO जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह काम करती है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड की वादियों में, हंसी वादियों में है, याद रखना ये सारी चीज़ें। और यूनेप जो ऊपर पड़ा था उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या। बाकी बहुत सारी चीज़ों का एक सेक्रेटेरिएट देने का काम भी करता है, जैसे हमने देखा था चाहे वो आपकी वियना कन्वेंशन हो जो आपकी ओजोन वाली हो है, या फिर मीनामाटा कन्वेंशन हो, या इसके अलावा CBD हो, CMS हो, साइट्स हो, ये जो स्टेटस वाली चीज़ें पढ़ते हो, वो सारी चीज़ों का सेक्रेटेरिएट नैरोबी केन्या में यूनेप के सेक्रेटेरिएट के ही साथ में मर्ज कर रखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, नाम तो इसका कार्बन प्रोजेक्ट है लेकिन इसकी 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव हैं, एक है मीथेन बजट और एक है नाइट्रस ऑक्साइड बजट। कॉमन बात दोनों में ये है कि ये दोनों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है उसका रिलीज होता है, एमिशन होता है। इसके अलावा हमने देखी थी लॉस ऑफ आइस कवर इन आर्कटिक सी, तो लॉस ऑफ आइस कवर हो रहा है जो हमने पढ़ा था कानपुर, उदयपुर, नागपुर, जौनपुर, NCPOR इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च। ठीक है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर कोई ऐसा
नहीं समझना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, याद रखना ये सारे फैक्ट। सी लेवल राइज, इसकी हमने बात की थी दैट यस सी लेवल राइज हो रहा है, मैंने कहा था ये बहुत सी अच्छी बात, बड़ी बात पता चल गई हमें, ठीक है, कॉमन सेंस से भी आप कह सकते हो। इसके अलावा एरोसॉल रेडिएटिव फोर्सिंग, तो हमने ये देखा था कि रेडिएटिव फोर्सिंग वो सारी फोर्सेस होती हैं जो हमारे जो जो बेसिकली जो टेम्परेचर है, जो अल्बिडो वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती हैं इनकमिंग और आउटगोइंग में, वो सारी चीज़ें रेडिएटिव फोर्सिंग होती हैं। उसमें एरोसोल कैसे रोल प्ले कर रहा है ये हमने वहाँ पर देखा था कि कैसे क्या चल रहा है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में ये जो सारा जो ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव है COP26 हमने देखा था जो ग्लासगो में होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। नेशनल सोलर अलायंस हमने देखा था, हमने एक ट्रिक भी शुरू में पिछले वीडियो में देखी थी कि सोलर अलायंस जो है वो बहुत ही केयरिंग है, इसलिए ISA केयर इज़ द इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां पर हेल्थ केयर सेक्टर को सोलराइज किया जा रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं ISA केयर इज़ दैट इनिशिएटिव। और ISA जो शोना था उसका जो बाबू है वो जो वर्ल्ड बैंक है वो पैसे वाला है, लेकिन जब वो साउथ एशिया में आता है तो वो भी केयरिंग हो जाता है, इसलिए केयर प्रोजेक्ट जो साउथ एशिया में जो मतलब क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन साउथ एशिया वो जो केयर है वो आपका वर्ल्ड बैंक का है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझी थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो न्यूज़ में था उसमें क्या क्या इनिशिएटिव आए थे मैंने बताया था, कोएलिशन ऑफ क्लाइमेट सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन जो है वो CDRI का इनिशिएटिव नहीं है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर और भी चीज़ें बताई थी कि सोलराइज किया जा रहा है जो भी हीटिंग और कूलिंग इक्विपमेंट्स और जो भी से प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सोलराइज किया जा रहा है, सोलराइजेशन इज समथिंग जो वहां पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बात की थी जो आपकी वहाँ पे वर्ल्ड समिट, ये समिट भी हुई थी जिसमें एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बाबू शोना और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में हुआ है। वो जो बाबू शोना है वो वर्ल्ड बैंक और ISA है ऑब्वियसली, और उनमें जो इनिशिएटिव हुआ है इसके बाद अब वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं कौन सा प्रोग्राम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यहाँ पे क्या है, जितनी भी ISA की कंट्रीज़ हैं बाकी सारी चीज़ें कनेक्ट करके एक ऐसे कनेक्शन किया जाएगा ताकि पूरे वर्ल्ड में जो भी सोलर एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके, क्योंकि देयर इज़ द थीम कि सन नेवर डाइज, सन कभी भी डूबता नहीं है, जो डूबता है वो हमारे अर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि सन तो अपनी जगह वो एक जगह रहता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा केयर मैंने बताई दिया, ISA का जो केयर है वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, वेरी गुड इनिशिएटिव। यहाँ पे हमने दो चीज़ों की बात की थी, एक था आपका ACT यानी जो एक्सेलरेटिंग दिस CCS टेक्नोलॉजी, तो ये वाला जो ACT है जहाँ पे 16 कंट्रीज थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अभी तक जो बोला वहाँ मैंने नहीं कहा कंफर्म कर लीजिएगा लेकिन इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव था, तो ACT कार्बन कैप्चर स्टोरेज से रिलेटेड दो इनिशिएटिव हमने देखे थे। इसके अलावा डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ओके, तो डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जो है वो नीति आयोग और ITF का है, लेकिन एक बड़े लेवल पर मैंने आपको 3 सर्किल बनाए थे बताया था ठीक है, तो मैंने आपको 3 सर्किल बना के दिखाए थे। पहला जो बड़ा सा सर्किल था ना, वो बड़ा वाला सर्किल जो था उसको हम बोल रहे थे डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ठीक है, ये ऐसा एक बड़ा सर्किल था। फिर उसमें एक छोटा सर्किल है डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनमीज, और उसके अंदर एक है डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, वो जो इंडिया वाला है वहाँ पे जो बड़े लेवल का थिंक टैंक है यानी ITF यानी इंटरनेशनल ट्रेवल फॉर ये जो ट्रांसपोर्ट फोरम है वो, प्लस उसमें जो इंडिया का थिंक टैंक है यानी नीति आयोग, ये दोनों मिलकर वहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे क्या करना है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे आप डीकार्बोनाइज कर सकते हैं। इसके कितने सारे इनिशिएटिव हैं जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है वो वहाँ दिए नहीं थे लेकिन मैंने बताए थे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फेम स्कीम, वी हैव द स्क्रैप पॉलिसी जो वो भी इसी पर काम कर रही है, ग्रीन टैक्स लग रहा है वो भी इसी पर काम कर रहा है, BS6 नॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो इसी पर काम कर रहे हैं, कैफे रेगुलेशन भी इसी पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, आप बस पूरा पुराना वीडियो देख लो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और ये जो लोग देख चुके हैं उनको बिल्कुल मजा आ रहा होगा सुनते हुए कि वाह हमने सब पढ़ लिया, विजन IAS इज गोइंग टू हेल्प अस इन अवर एग्जामिनेशन, ओके आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा
कार्बन प्राइसिंग की हमने बात की थी, कार्बन प्राइसिंग में जो मैकेनिज्म है, तीन मैकेनिज्म पड़े थे, कार्बन टैक्स था, कार्बन टैक्स में सिंपली एक टैक्स लग जाता है, दूसरा एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम था जहाँ पे कैप लगा के जितना बच जाता है उसको इधर उधर से वो लोग घुमाते हैं, और एक तीसरा इनिशिएटिव था जो सिंपल इंटरनल मैकेनिज्म होता है जो वॉलेंट्री बेसिस पर इंटरनली अपने डिसीजन मेकिंग में जो कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं। तो दिस इज़ कार्बन प्राइसिंग। कार्बन ट्रेडिंग हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तीन मैकेनिज्म आए थे, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा आपका था एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, और एक और इनिशिएटिव था एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ये, और एक कार्बन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो तीन इनिशिएटिव आए थे इन सो फार एज द क्योटो प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड, ये उसी का एक रूप है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। एंड देन यू हैव द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ग्रीन एजी मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्यों हमें क्या करना है, सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आनी है। क्यों लैंड मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि हमने जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ कर रखे हैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब लैंड मैनेजमेंट, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब हो रहा है, और वाटर मैनेजमेंट क्योंकि हम जो राइस वीट इतना ज़्यादा उगाते हैं उस वजह से क्या होता है, उससे भी बहुत सारा जो हमने ऊपर देखा था मीथेन बजट और उन सब बजट में इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने दो वीडियोज़ में देख चुके हैं, और हम इस वीडियो में भी अपने शुरू के 10 मिनट यहाँ पर इसमें दे चुके हैं ताकि आपको बिल्कुल आपका जो कंटेंट है, इट इज़ UPSC इज़ नॉट अबाउट कि आप बहुत बड़ा परम ज्ञान हासिल कर लो, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड रिवाइजिंग द एंड रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स, कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर ये चीज़ सही लगी है तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ ऐसे जल्दी से एक रिवीजन हो जाना चाहिए एक दो वीडियोस के बाद। अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप वहाँ पे बेझिझक बोल सकते हो कि ऐसा ये सब बकवास बंद कर दो। अब शुरू करते हैं पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन को आज हम यहाँ पे पूरा मैं कोशिश करूँगा कि ये 21 से लेके 34 तक पूरा ये यहाँ पे पॉल्यूशन आज के वीडियो में ख़त्म हो जाए, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो क्या छोड़ भी दिया जाएगा, अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनवायरनमेंट, एंड जो शुरू में बात की थी वहीं से वापस हम लोग अब शुरू करते हैं। ओके, सो अपनी जो सीट बेल्ट्स हैं उसको बांध लें यात्रीगण, और शुरू करने जा रहे हैं इस जर्नी को, और यहाँ पे बात करेंगे पॉल्यूशन की। ओके, सो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट ये रहा, और फिर फाउंडेशन कोर्स का एड, और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉल्यूशन। पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, इसके अंदर सब टॉपिक है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग, क्या होता है स्टबल बर्निंग? जो पैडी होते हैं, पैडी होता है उसका जो बचा हुआ जो हिस्सा रहता है उसको फार्मर जब जला देते हैं तो उसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, उस वेस्ट रेजिडू को जलाने वाली प्रोसेस को। एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA ने सबमिट करी है रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग। सबसे पहले EPCA क्या है? EPCA बेसिकली EPCA, अगर आपको EP एक्ट पता है तो आप EPCA भी उसी के अंदर एक स्टेचुटरी बॉडी है। EPA क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? पूरे इंडिया के लिए कि हाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन जनरल है, लेकिन EPCA जो है वो स्पेसिफिकली एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन उसके लिए ये है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे कि NCR में कौन कौन से जगह आती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन कौन से रीजन जो है वो आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे कवर होते हैं, तो NCR के बारे में आप बताओगे रिसर्च करके। तो ये जो है अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये चीज़ है। ठीक है, EPCA हैज़ बीन एम्पावर्ड टू टेक सुओ मोटो एक्शन, और कंप्लेंट भी की जा सकती है और सुओ मोटो एक्शन भी हो सकता है। वापस आ जाते हैं स्टबल बर्निंग पर। तो रिपोर्ट दी है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि दी है क्या हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए स्टबल बर्निंग जो इसका बेसिक टॉपिक है। स्टबल बर्निंग क्या है? एक्ट ऑफ सेटिंग फायर, फायर जो आग लगा दी जाती है क्रॉप रेजिड्यू में, जो पैडी और वीट एक्सेट्रा के जो बच जाता है, जो भी जो चीज़ें बच जाती हैं, रेजिड्यू बच जाता है बीन हार्वेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अगली क्रॉप को, मतलब शो करने के लिए ये जो लोग करते हैं इसी को बोलते हैं स्टबल बर्निंग, और ये पॉल्यूशन का एक चीफ कॉज है। देखो स्टबल बर्निंग क्यों होता है, देखो यहाँ पे कुछ रीज़न नेचुर अलग अलग रीज़न है, तीन रीज़न है, तीन बातें हैं, तीन बातों को समझिए। पहला ये है कि मैकेनाइजेशन,
ठीक है, मैकेनाइजेशन का मतलब है कि हर कोई जानबूझकर फार्मर्स नहीं कर रहे हैं कि ऐसा वो कुछ कर रहे हैं, मशीन ही ऐसी है, मशीन जो है जो अभी वो यूज़ कर रहे हैं कंबाइंड हार्वेस्टर, वो जो कंबाइंड हार्वेस्टर है, कंबाइंड हार्वेस्टर क्या करता है, वो आपकी हार्वेस्टिंग भी करता है, वो फिर उसको उसकी जो थ्रेसिंग वगैरह है वो भी करता है, तो और कट जो हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग और जो आगे की प्रोसेस है, ये दो तीन प्रोसेस वो एक ही चीज़ कर देती है, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड हार्वेस्टर। लेकिन द प्रॉब्लम विद द कंबाइंड हार्वेस्टर इज़ दिस कि अगर लेट्स से ये क्रॉप है ऐसी, ठीक है, तो उसका इतना पार्ट ये काट देता है ऊपर का, नीचे थोड़ा सा रह जाता है, ये जो रह जाता है इसको यहाँ पर ये रह गया है बिकॉज ऑफ द मशीन की प्रॉब्लम, क्योंकि मशीन पूरा नीचे से नहीं काट रही है, ठीक है, वो इतना ही छोड़ देती है, इतना छोड़ देती है। अब वो जो छोड़ दिया है वो अगर फार्मर उसको हटाने के लिए अगर लेबर लगाया जाए तो लेबर कॉस्ट लगेगी, पैसा लगेगा लेबर लगाने के लिए, और उसका कोई इनपुट होगा, आउटपुट तो कुछ आ नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर उसको कुछ और करते हैं, अगर वेट करते हैं कि अगर वेट भी नहीं कर सकते क्योंकि अगली फसल जो है वो उसको वहाँ पे उसको मतलब ज़मीन में बो का टाइम आ गया है, ठीक है, उसको वहाँ पे सोइंग का टाइम आ गया है, तो इस वजह से क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कंबाइंड हार्वेस्टर जो मैकेनाइजेशन जो हुआ है, वो मैकेनाइजेशन जो हार्वेस्टर वाला है उसी में दिक्कत रह गई, उसी ने स्टबल छोड़ दिया। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड स्टबल बर्निंग, क्योंकि अगर वो छोड़ता ही नहीं तो स्टबल बर्निंग होती ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ देयर, तो मैकेनाइजेशन, तो इस पॉइंट पर कौन काम करे, इस पॉइंट पर जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं और जो बाकी सारे लोग हैं वो इस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा लॉज कुछ ऐसे हैं जैसे पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट, ये जो एक्ट है इसने बेसिकली ये कर रखा है कि जब देखो क्या होता है, मई का टाइम है, मई से पहले जो फार्मर्स हैं उसके पहले एक स्पेसिफिक डेट है 15 मई के आसपास, उसके पहले फार्मर्स जो हैं वो इसको सो नहीं कर सकते, किसको, पैडी को, जो धान होता है, राइस होता है, उसको मई के पहले, आपको पता है राइस कौन सी क्रॉप है, वो आपकी खरीफ क्रॉप है, यानी बरसात जो मानसून है उसके पैरेलल में उसका चलता है, पैरेलल में बोई जाती है क्योंकि उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, अगर फार्मर्स पहले उसको सो कर देंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो कहीं ट्यूबवेल्स वगैरह से लगाएंगे, और ऑलरेडी वी नो दिस थिंग कि फ्रेश वाटर जितना ग्लोबली जो भी मतलब आता है उसका 90% हम इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं फ्रेश वाटर का, तो वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, 90% जो पानी ग्राउंड वाटर हम ऊपर निकालते हैं फ्रेश वाटर, उसका 90% एग्रीकल्चर इरिगेशन में जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये वाला एक्ट बना दिया कि भाई इस डेट के पहले आप नहीं सो करोगे, क्योंकि अगर आप सो नहीं करोगे इसका मतलब है आप पानी बचाओगे, ठीक है, अगर इस डेट के आगे सो करोगे तो क्या होगा, बारिश, क्योंकि मॉनसून आ चुका होगा उस टाइम पे जून वून के आसपास, तो बारिश होगी, है ना, तो फिर वो जो इरिगेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, रेन फेड हो जाएगा चीज़ें, ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग, इससे पानी बचेगा, ये पंजाब के लॉ ने बोला है कि क्योंकि ये ऐसा है तो उसने डिले कर दिया है डेट को पैडी ट्रांसप्लांटेशन और पैडी की जो प्रोसेस है। अब देखो उसने पैडी के ट्रांसप्लांटेशन या उसके जो उसको बोने का टाइम है उसको उसने आगे बढ़ा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, वो उसका टाइम तो उतना ही लगेगा, किसी भी क्रॉप के उसको पूरा होने का टाइम तो वही होता है, तो क्या होगा जब एंड में ये अक्टूबर नवंबर का टाइम आएगा तो वहाँ पर भी वो देर तक वो क्रॉप जो होगी वो रहेगी ज़मीन में, ठीक है, अगर थोड़ा सा पहले बो देते तो वो शायद सितंबर में अक्टूबर में ही उसका काम खत्म हो जाता, नहीं, लेकिन अब वो अक्टूबर नवंबर तक जाएगी खींच के, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये जो राइस की बात है, पैडी की बात है, तो वो लॉ की वजह से वो चेंज नहीं कर सकते, और जो दूसरा वीट आने वाला है, जो वीट उन्हें अब अगली सीजन में लगाना है, वो वीट जो है वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे सर्दी में, ठीक है, अब सर्दी का वो मौसम ऐसा है, अब देखो यहाँ पानी में तो हम ह्यूमन चेंज कर सकते हैं कि चलो पानी लगा दिया, लेकिन अब सर्दी के लिए थोड़ी ना एयर कंडीशनर लगा देंगे वहाँ पे, समझ रहे हो, तो इस वजह से वहाँ कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है, वीट की जो साइकिल है वो फिक्स है, लेकिन राइस की साइकिल फिक्स तो नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो लॉ की वजह से फिक्स हो गई है, तो इस वजह से उनमें कोलैप्स होता है, तो होता क्या है कि जो लेट बोई है वो जो पैडी लेट बोया है और जो आगे आने वाला जो वीट है वहाँ पे बीच में टाइम बचता है 10-15 दिन का, टाइम कम होता है, तो अगर एक तो लेबर लेकर अगर कोई लगा भी दे चलो कि ये स्टबल को रिमूव किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही 15 दिन है। आई होप यू आर गेटिंग, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें टाइम ले लिया समझाने के लिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे, क्लियर होगी तो आप आगे कहीं पर भी इसे भूल लोगे नहीं, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इन द सेंस के बहुत सारी मल्टीपल क्रॉप्स के पहले के टाइम में अगर आप अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनसे अगर बात करोगे
तो आपको पता चलेगा पहले इतना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं था, लाइक ऐसे ऐसे नहीं होता था कि खरीफ राबी जायद और ऐसे और दुनिया भर की क्रॉप हो रही हैं, तो इंटेंसिफिकेशन नहीं था क्योंकि आराम से एक साल में एक सीज़न ऐसे ही वो लोग चलाते थे, क्योंकि इतनी डिमांड भी नहीं थी और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करने को फ़ायदा भी नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से होता था। आजकल पॉपुलेशन की वजह से इंटेंसिफिकेशन हो रहा है क्रॉप में, तो दुनिया भर के मतलब वो खाली ही नहीं रहती फील्ड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो बहुत उसमें काम होता है। दिस इज अनदर रीज़न आई होप यू आर गेटिंग मेजर्स टू कंट्रोल स्टेबल बर्निंग। तो यहाँ पे इन सीटू मेजर्स हैं और एक्स सीटू मेजर्स हैं। इन सीटू मेजर्स वो मेजर हैं जो वहीं फील्ड में ऑन फील्ड होंगे, एक्स सीटू ऑफ फील्ड होंगे, ऑफ द फील्ड होंगे। तो ऑन द फील्ड कौन से होंगे, हैप्पी सीडर मशीन का यूज़ हो रहा है। हैप्पी सीडर मशीन एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पे ये जो स्टबल की प्रॉब्लम थी कंबाइंड हार्वेस्टर वाली, उसको यहाँ पे रिमूव मतलब पूरा रिमूव किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम उसकी यही है कि वो महंगाई वगैरह, वो उसका जो इनपुट है वो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी फार्मर की इनकम इतनी कम है, डबलिंग फार्मर इनकम का टारगेट है और वो सारी हैं, तो इसमें उसमें इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम रहती है। कस्टम हायरिंग सेंटर है वो जैसे आप ओला उबर से कहीं जाते हो, बुक कर लेते हो और फिर ऐसे ट्रैवल कर लेते हो और आपको पूरा खर्चा आपका मतलब वो अगर कार खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन आप ऐसे मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही कस्टम हायरिंग सेंटर हैं ओला उबर की तरह, कि फार्मर को खरीदना नहीं है कार, जैसे आपको कार खरीदनी नहीं है, आपको बस वहाँ पे पैसे पे करने हैं और आपके लिए कार एकदम बढ़िया सी जो भी आप चाहो वो आएगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो ये मशीन वगैरह है तो फार्मर को खुद नहीं लेनी है, बस वो एक हायर कर सकता है, कस्टम हायरिंग सेंटर। इट्स लाइक ओला उबर, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा टू मेक दिस इक्विवेलेंट अवेलेबल ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन आपको पता होगी, 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं उन्हें मार्जिनल बोलते हैं, स्मॉल फार्मर को 1 से 2 के बीच वालों को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सी टू मेजर जो क्या है, एक्सी टू मेजर्स हैं कि डिफरेंट वेज में उसके, अब एक्सी टू मतलब ऑफ द फील्ड, यानी हम जो खेत है वहां से ले गए स्टबल को कहीं और यूज कर लिया है, फॉर एग्जांपल कैटल फीड में या फिर जो कंपोस्ट मैन्योर में और रूफिंग इन द रूरल एरियाज, तो ऐसे सारी चीजें यूज कर सकते हैं। मतलब रूफिंग इन द रूरल एरियाज, एक तरफ प्रधानमंत्री ये हाउसिंग वाली जो योजना चल रही है, ऊपर से इधर पे हम ये पॉइंट लिख रहे हैं रूफिंग द एरियाज, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को कभी भी शुरुआत में मत लिख देना, नहीं तो मेंस में नंबर कट जाएंगे, ठीक है, कि बिल्कुल मतलब अच्छे पॉइंट छोड़ के रूरल रूफिंग मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके का पॉइंट, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा पॉलिसी रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स। देखो नीचे जो लिखा है रिलेटेड न्यूज, वो टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है स्टबल बर्निंग के लिए, देखो एनजीटी जो है स्टैचुटरी एक बॉडी की तरह काम करती है। एनजीटी एक्ट लाया गया था 2010 में, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है प्रीलिम्स में ये वाला पॉइंट। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसने बैन किया था क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन द राजस्थान यूपी एंड हरियाणा पंजाब, ठीक है। तो राजस्थान यूपी हरियाणा पंजाब, तो एनजीटी ने बैन किया था, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा एक पॉलिसी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू 2014 की जो पॉलिसी है, ये भी इंश्योर करती है कि जो बर्निंग वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब इनका बस इंप्लीमेंटेशन का इशू है, बाकी हैं तो सब चीज़ें अच्छी, ठीक है। इसके अलावा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी है सेंट्रल सेक्टर, ठीक है, कौन सी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, इन सीटू मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए। अब आपका होमवर्क ये है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इज़ आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसका भी है कंपोनेंट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली स्कीम सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये आपको एक बार गूगल करना है, सर्च करना है, गवर्नमेंट स्कीम वाले जो भी आपके पास कंपाइलेशन है उसमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर ये याद रहेगा नेशनल पॉलिसी, ये वाला अगर याद रहेगा तो वो वाला भी होना चाहिए पैरेलल में, ताकि आप कहीं एलिमिनेशन में कहीं कुछ गलत एलिमिनेट ना कर दो, ठीक है। उसको एक बार चेक करके होमवर्क के कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि जो कृषोन्नति है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसके अंदर जो मैकेनाइजेशन है वो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और वो ओवरऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसी है, सेंट्रल सेक्टर या स्पॉन्सर्ड। ओके, आई होप आपको पता है डिफरेंस दोनों में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस टू इंसेंटिवाइज द फार्मर्स, तो यहाँ पे गाइडलाइन भी हैं, और ये GRAP, ठीक है, ये
ग्रैप और चलता है। ये जो ग्रैप होता है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो जैसे ही एयर क्वालिटी वेरी करती है PM 2.5 PM 10 वगैरह, तो उस हिसाब से वो करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेज वन में पॉल्यूशन है तो थोड़ा सा उसमें चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे वो स्कूल को भी बंद कर देता है, और फिर जो जो ये मतलब ये चीज़ें मतलब जो है ना कि यहाँ से आ रहा है, मतलब जो ब्रेक किल्न है उसको शायद बंद कर दे, या फिर हो सकता है वो कुछ और बंद कर दे, या वो मतलब जैसे दिल्ली NCR में जो ये वाला जो होता है ना कि ऑड इवन फार्मूला, तो वो भी इन्हीं के बेसिस पर लगाता है। मतलब जितना ज़्यादा पॉल्यूशन उतना सीवियर, उतना ज़्यादा मेजर, जो हम पढ़ते हैं ना पॉलिटी में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे बैन को रिवोक कर दिया, ठीक है, वो इसी वजह से कि आपने बिना उसको एनालिसिस के कुछ नहीं, आपने सीधा लॉ ला दिया, मतलब लॉ भी नहीं लाया आपने, बस उससे बैन कर दिया, सो इट इज़ नॉट गुड, सो समथिंग लाइक दैट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज देयर, ठीक है। तो चीटी को मारने के लिए तलवार नहीं लेकर आनी होती है, इसलिए GRAP है, ताकि आप चीटी को मारने के लिए छोटी चीज़ लाओ और हाथी को मारने के लिए अलग चीज़ लाओ। आई एम नॉट प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम वगैरह, ठीक है, वरना एक्ट वैक्ट लग जाएगा। ओके, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स। ओके, नाउ रिलेटेड न्यूज़, पूसा बायो डिकम्पोजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, द रीज़न बींग कि ये जो प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और पूसा बायो डिकम्पोजर एक मतलब एक बहुत ही मतलब अच्छा इनिशिएटिव है, ऊपर से इंडियन इनिशिएटिव भी है, तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हर तरफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूसा बायो डिकम्पोजर जो है ये क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एक बहुत ही नाम इसका है, इसने डेवलप किया है डिकम्पोजर, पूसा बायो डिकम्पोजर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है जो कन्वर्ट कर देगा, अगर स्प्रे कर दिया जाए फील्ड पे, तो जो हमने देखा था ना जो स्टबल बच गया था, तो उसको यहाँ पे डिकम्पोज कर देगा उस स्टबल को, ठीक है। सो दिस इज देयर, और ये जो स्टबल होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपका CPL होता है, ठीक है, जैसे IPL होता है वैसे CPL भी होता है एक चीज़। CPL का मतलब है सेलुलोस, और आपका सेलुलोस है, और इसके अलावा आपका इसमें लिग्निन ऐसा कुछ होता है, ठीक है, लेग्निन टाइप का कुछ नाम है उसका, और एक आपका होता है पैक्टिन, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, CPL याद रखिएगा, IPL चल रहा है तो IPL की तरह CPL भी याद रखने का है, ठीक है। और ये जो तीन होते हैं, ये तीन, और ये जो बनता है पूसा बायो डिकम्पोजर, ये तीन चीज़ों को मिला के बनता है, मतलब 25 लीटर्स अगर आपको ये पूसा बायो डिकम्पोजर बनाना है, एक हेक्टेयर के लिए 25 लीटर की ज़रूरत पड़ जाती है आसपास, और अगर उतना बनाना है तो आपको 4 कैप्सूल चाहिए होंगे ये जो डिकम्पोजर है इसके, प्लस उसके अलावा आपको उसमें जैगरी प्लस चिकपी फ्लोर, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, तो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन टू फाइट और टू डिकम्पोज, तीन चीज़ें CPL को डिकम्पोज करने के लिए तीन चीज़ों का मिक्सचर चाहिए। तो आप ऐसे कुछ इमेजिनेशन कर सकते हो, देखो ये चीज़ें ऐसे याद कर सकते हो कि तीन चीज़ें इस तरफ हैं, मतलब इसमें तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 4 कैप्सूल प्लस इसमें यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, जो जैगरी है, ठीक है, जैगरी प्लस चिकपी फ्लोर, तो तीन चीज़ों का, जैसे आपने सुना होगा जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, व्हाटएवर जो भी है, जो भी कहावत है, ऐसे ही तीन चीज़ों को तीन चीज़ें काटती हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें कौन सी हैं यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, CPL, ठीक है, जो मैंने बताया सेलुलोज, पेक्टिन और ये जो लिग्निन जो भी होता है, तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं, उन तीन चीज़ों को ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के काट देता है। 10 दिन इसको बनाने में ये सब लगता है और 20 दिन डिकम्पोज कर देता है। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इतना डिटेल में क्यों याद करना है, क्योंकि UPSC थोड़ा एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है कभी कभी, पिछली बार ज़्यादा ही हो गया था, तो आप ऐसे इमोशन से बचें और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ें, सिर्फ ये ना पढ़ें कि पूसा बायो डिकम्पोजर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, इतना पढ़ के छोड़ दोगे तो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे, क्योंकि UPSC घुस जाता है आजकल अंदर तक, ठीक है। तो पूसा इतना नहीं पूछेगा, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ पूसा के बता दो, एग्रीकल्चर से है या स्पेस साइंस से, ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों में एग्रीकल्चर की चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की कष्ट करना, ठीक है। देन वी हैव एंटी स्मोक गन, बेसिकली
दिल्ली में ये लगाई जा रही हैं, यूज़ की जा रही हैं एंटी स्मोक गन। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो दिल्ली में जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने 5 मेज़र बताए थे, वो 5ों मेज़र पिछले UPSC के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन UPSC ने कुछ नहीं पूछा। आप शायद इस बार पूछ लें क्योंकि 2 साल का चलता है। तो 5 मेज़र कौन कौन से थे? एक तो उसने बात की थी टाइटेनियम ऑक्साइड की लेयरिंग वगैरह की, जो पेंट रोड वगैरह उनमें ऐसा पेंट किया जाए टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह, टाइटेनियम ऑक्साइड ही था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी है उसका फॉर्मूला देख लेना, डाइऑक्साइड तो नहीं था, तो एक बार इसको कंफर्म कर लेना। जहाँ पे कंफर्मेशन की बात होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, हर चीज़ याद नहीं रहती, कुछ कुछ भूल जाते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो चीज़ है उसकी बात की गई वहाँ पर कि हाँ ऐसा कुछ लगाया जाए पेंट वगैरह, ताकि उसका जो रिएक्शन वगैरह होती है तो वो वहाँ पर हेल्प करेगा। इसके अलावा बात की गई एंटी स्मोक गन की। देखो स्मोक से 2 चीज़ें थी, स्मोक गन और स्मोक टावर, ठीक है, गन और टावर। गन की बात यहाँ लिख दी गई है विज़न ने, लेकिन टावर की बात नहीं करी जा रही है। देखो टावर क्या है, टावर कुछ ऐसी जगहों पर जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह है, तो वहाँ पर वो टावर लगा दिया जाएगा ताकि वो थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को कम करे। जैसे जो दिल्ली में जैसे CP का एरिया है, तो वहाँ पे एक टावर का इनॉग्रेशन वगैरह ये सब न्यूज़ में चल रहा था, जो भी है तो वो सब चलता रहता है न्यूज़ में, तो गौतम गंभीर ट्वीट वगैरह करते रहते हैं, ऑल द थिंग्स आर देयर। तो वो जो चीज़ है, तो टावर इज़ देयर, और गन, गन का मतलब वो सिंपल, धीरे धीरे से पानी के वेरी फाइन पार्टिकल जो हैं वो वहाँ पे गिरेंगे, तो क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो नीचे मतलब बैठ जाएगा ज़मीन में, है ना, ऊपर जो उड़ रहा है वो ज़मीन में वहाँ पे उसके साथ पानी के साथ नीचे नीचे थम जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी टाइटेनियम ऑक्साइड ये सब हो गया। इसके अलावा उसने बात की थी जो ऑक्सीफर्नेसिस की। ऑक्सीफर्नेस क्या होती है? ऑक्सीफर्नेस मतलब जो फर्नेस है वहाँ पे ज़्यादा हाई ऑक्सीजन मतलब उसको दी जाएगी, ताकि डिकम्पोज जो हो रहा है वो अच्छे से पूरा फुल डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन सो फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, जो आप मेंस वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कमेटी ने बोले थे, तो आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है और समथिंग लाइक दैट। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो एंटी स्मोक गन इज नथिंग, उसी में से एक इनिशिएटिव था जो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा ग्रीन क्रैकर की बात है। ग्रीन क्रैकर जो मैंने शुरू में बता दिया, इसके 3 नाम है, सावास, स्टार एंड सफल, ठीक है। सावास मतलब सेफ वाटर रिलीजर, ये भी वाटर रिलीज करता है, जो कॉन्सेप्ट एंटी स्मोक गन में था कि वाटर रिलीज करेगा तो सारी चीज़ों को नीचे गिरा देगा, सेम कॉन्सेप्ट इस सेफ वाटर रिलीजर का है, क्योंकि ये वाटर रिलीज करेगा और जो भी धुआं वगैरह उसको पानी, जब पानी गिरेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे ही तो गिरेगा ना, और उसके साथ वो पानी जो है वो अपने साथ वो जो गैस वगैरह वो भी उसी के साथ नीचे गिर जाएगी, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से वो भी नीचे गिर जाएंगे, दैट्स वाई सेफ वाटर रिलीजर। सेफ थर्माइट क्रैकर, तो थर्माइट क्रैकर, और इसके अलावा सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, मिनिमल एल्यूमिनियम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिंपल, जो यहाँ पे जो सिंपल जो जो बैन केमिकल्स हैं, तो ग्रीन क्रैकर इसमें ये सब नहीं होते, यानी लीथियम आर्सेनिक वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और इसके अलावा ये जो ग्रीन क्रैकर होते हैं, ये जो ग्रीन क्रैकर हैं, इन ग्रीन क्रैकर की खास बात ये है कि यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का यूज़ होता है इंस्टीड ऑफ द अदर थिंग्स लाइक जो आपकी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, जो आपके दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों की बजाय जो बेरियम नाइट्रेट वगैरह है उसके लेवल को रिड्यूस, जैसे यहाँ पे ये बेरियम लिखा हुआ है ना, ये वाला, लेट मी शो दिस, जैसे ये बेरियम लिखा है तो बेरियम नाइट्रेट होता था जो पुराना वाला होता था, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बेरियम वगैरह ये जो है मैट आपको पता है हार्मफुल है, सो इसलिए KNO3 यूज़ हो रहा है इसमें, दिस इज़ द पहली थिंग, ठीक है, जो इसमें इम्प्रूव करती है, प्लस इसमें जो वाटर वगैरह जो साउंड वगैरह वो चीज़ें भी इम्प्रूव की गई हैं, और एल्यूमिनियम वगैरह भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें KNO3 अपडेट कर दिया, इससे होता क्या है, 30% रिडक्शन हो जाता है पर्टिकुलेट मैटर में बिकॉज ऑफ ग्रीन क्रैकर। अब आप ऐसे, अब देखो 30% सिर्फ याद रखोगे तो भूलने के चांसेस हैं, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि अभी हमने कल देखा था कैफे रेगुलेशन, वो विज़न में नहीं था लेकिन मैंने बताया था कैफे रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी की बात करता है, तो वहाँ पे वो एफिशिएंसी कितनी बात करता था, वो भी इतनी ही करता था कि 30% एफिशिएंसी बढ़ानी है, ये भी 30 की बात कर रहा है। इसके अलावा ये जो नीचे न्यूज़ दिख रही है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में भी
20-30% रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर की बात की गई है। तो 30 आप ऐसे याद रखोगे ना, तो 30 बहुत सारे 30s हो गए तो आपको याद रहेंगे, ठीक है, कि क्योंकि दिमाग को लगेगा कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार से एक तीर से तीन निशान है, तीन शिकार, ऐसा कुछ, तो आप याद रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन क्रैकर में 30% एफिशिएंसी है वहाँ पे भी, और ये याद करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंट इज समथिंग यहाँ पे यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके की चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट वो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों को। इसके अलावा ये हो गया, सारी चीज़ें फ़ायदे हो गए, कंपोनेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये अलाउ नहीं करता डस्ट पार्टिकल्स टू राइज, क्योंकि उसमें वाटर रिलीजर है, मैंने पहले ही बता दिया, 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर बता दिया मैंने, कि उसको कैफे रेगुलेशन और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के 30 याद कर लेना। इसके अलावा ये बनाया गया है CSIR के नीरी द्वारा, ठीक है। CSIR जो है वो कब बना था, आज़ादी के पहले 1942 के आसपास CSIR था पहले से, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि CSIR के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। CSIR के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसके मिनिस्टर नहीं होते एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाले, ना ही अर्थ साइंस के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर नहीं होते, कोई IAS नहीं होते। जैसे हमने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑन पेरिस एग्रीमेंट, उसके जो लीडर थे या जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। CSIR के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो CSIR है ये 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था, आज़ादी के पहले ही हो गया था, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 38 लैब्स आर देयर CSIR की ऑल इंडिया में, और उसमें बहुत सारी लैब हैं, फिजिक्स लेबोरेटरी वगैरह कुछ ना कुछ न्यूज़ में बना ही रहता है, ठीक है, जो हिमालय वगैरह रीजन अलग अलग लेबोरेटरी हैं, नीरी इज़ वन ऑफ देम। नीरी जो है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो नीरी है, ये नीरी से याद रखना, नीरी नागपुर में है, ठीक है। नीरी जो है वो भाई आपकी नागपुर में है, वन ऑफ द 38 लेबोरेटरी ये नीरी है। ये नीरी भी 1959 के पास इसको एस्टैब्लिश किया गया था। थोड़े बहुत फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। नीरी हो गया, CSIR हो गया, और ये सारा इनिशिएटिव भी हो गया। इसके अलावा एक चीज यहां लिखी नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग टाइप की चीज है कि ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो पैसों का है। पैसों क्या है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे इसमें क्या अजीब है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव थोड़ा सा है, चलो ठीक है, पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, तो ये आपका हो गया पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पैसो। लेकिन वो मिनिस्ट्री किस में आता है, एनवायरमेंट में नहीं आता है, अर्थ साइंस में नहीं आता है, और अगर पटाखे दिवाली पे चल रहे हैं तो कल्चर में भी नहीं आता है, वो किस में आता है, वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना, समझ गए। और इससे एक चीज़ और याद रखना कि जो अभी रिसेंटली जो हमारा जेलेटिन वगैरह न्यूज़ में था ना, जो अंबानी जी के घर के बाहर किसी ने वो पूरा कंट्रोवर्सी थी कि वो किसी ने जेलेटिन वगैरह वो कार वार खड़ी कर दी थी, उसका जो IPS है वो न्यूज़ में है वगैरह वगैरह, सो उसमें नहीं जाना है कंट्रोवर्सी में, बट वो जो जेलेटिन है उसके भी कंपोनेंट्स वगैरह देख लेना, वो भी आपका पीसो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पीसो जो है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उस DPIIT के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, जो 8 core इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो रिलीज़ वही करता है, ठीक है। आप सोचो कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ चले गए, नॉर्मल पटाखे इंडस्ट्रीज़ में चले गए और कहाँ कहाँ पहुँच गए, ठीक है। ऐसी चीज़ों को लिंक कर दोगे पढ़ोगे तो फिर होगा, एक्टिव रीडिंग करोगे तो फिर याद रहेंगी चीज़ें और हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन चारकोल सिंपली क्या है कि चारकोल हैकाथॉन हुई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑर्गेनाइज की, ऑब्जेक्टिव था क्लीन द एयर बाय मेल्टिंग फार्म फायर प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह वगैरह, सो दिस इज देयर एंड दीज आर द थिंग्स, ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें कुछ बड़े बात नहीं है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो आपका यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए रिलीज हुए वगैरह, नॉट दैट इंपॉर्टेंट कितना क्या हुआ, आपको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पता होना चाहिए। मनी जो है वो NCAP जो एयर क्वालिटी इंप्रूव करने की बात होगी, दिल्ली में ये नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि यहाँ पे
धोखा खा जाओगे, एलिमिनेशन में गलत कर लोगे। दिल्ली विल नॉट रिसीव द फंड्स, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में दिल्ली विल नॉट रिसीव द फंड, रिमेंबर दिस थिंग। मनी विल गो टुवर्ड्स द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लोकल अर्बन एरियाज वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ एनसीएपी क्या है, एनसीएपी इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू कट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस। तो PM10, PM2.5 बेस ईयर 2017 लिया गया है। और सिंपल ये याद रखो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये जैसे ही मोदी सरकार की 2.0 वाली जो आई थी, मोदी 2.0 यानी कि 2019, और 2019 के बाद तुरंत इसको लॉन्च किया गया था। 100 डेज का जो हो नहीं पाए थे उसके पहले इसे लॉन्च कर दिया गया था। और इसका जो ईयर है वो जो मोदी 2.0 वाली गवर्नमेंट है उसके बिल्कुल पैरेलल है, यानी 2019 से लेके 2024 तक, 5 साल तक। लेकिन जो मेजर किया जाएगा वो 2017 के लेवल पे किया जाएगा। और टारगेट सिंपल है कि जो नॉन अटेनमेंट सिटी हैं 102, उनमें इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये वहाँ पे इसको एवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन 20-30% वहाँ कम करने की बात की जाएगी, ठीक है। बस सिंपल ये 30 अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, याद करने का तरीका वहाँ पे भी बताया था, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के लिए हम क्लीन एयर डे मना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो कैसे लिंक हैं चीज़ें। तो यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन, इसने अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन के जो 7th September है, किसी का बर्थडे हो तो उसको तो बहुत ही आसान रहेगा अब याद रखना कि उसके बर्थडे पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है। और अगर किसी का बर्थडे नहीं है तो वो इमेजिन कर ले कि उसके दोस्त का बर्थडे 7 September को होता है और याद कर ले चुपचाप, ठीक है। UN ने रिकॉग्नाइज किया है कि मनाया जाएगा 2020 से, ओके। इसके अलावा कोई भी डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है भाई, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, क्योंकि उस दिन फिर क्या होगा कि जितने इवेंट्स हो रहे होंगे हर जगह फिर उसकी बात होगी, उसकी चर्चाएँ होंगी, उसके ऊपर वो है मेजर, मतलब कुछ ना कुछ होगा, है ना, इस वजह से। नाउ वी हैव द एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो एमिशन नॉर्म्स हैं उनका जो टाइमलाइन है, डेडलाइन है, उसको चेंज कर दिया गया है। बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस्ड वाले हैं वो 70% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर विदड्रॉल ऑफ बाई ऑल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जितना वाटर विदड्रॉ करती हैं, आप यहाँ पे ऐसे याद रखो, देखो यहाँ पे ज़्यादा खिचपिच नहीं, इनपुट कुछ आता है, ये हमारी इंडस्ट्री है टी, एंड यहाँ पे लिख दो TPP थर्मल बेस्ड पावर प्लांट, इधर है आउटपुट हमारा, ठीक है। तो जो इनपुट है, यानी इनपुट जो है 70% ऑफ द वाटर, मतलब और भी इंडस्ट्रीज होंगी, कोल बेस्ड टीपीपी के अलावा और भी इंडस्ट्रीज होंगी, तो सारी इंडस्ट्रीज कुछ कुछ पानी तो लेती हैं, इंडस्ट्रीज में पानी की बहुत रूल होता है, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लोकेटिंग फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो 70% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर, जितना इंडस्ट्री जितना पानी लेती हैं टोटल, उसका 70% सिर्फ ये TPP कोल बेस्ड वाली ले लेती हैं। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना डिसप्रोपोर्शनेट ये चीज़ है। इसके अलावा 60% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री एमिशन, अब यहाँ पे क्या है कि 60% ये रिलीज करता है बहुत कुछ यहाँ पे पॉल्यूशन, क्या क्या, PM2.5 की ये जो पर्टिकुलेट मैटर की बात करें तो 60%, SO2 की बात करें तो 45%, और NOx की बात करें तो 30%, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब भी आती हैं जब हम BS6 पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो भाई 80% पर्टिकुलेट मैटर को कम करेगा और वो 60% NOx को कम करेगा इन सो फार एज़ द पेट्रोल इज कंसर्नड, ऐसा कुछ है, ठीक है। 70 फिर 80 फिर से आ जाएगा, 80% वो SO2 को कम करेगा, वही सारी चीज़ें हैं, वो इनको कम करता है BS6, और यहाँ पे वही चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, मतलब SO2 रिलीज़ हो रही है, मतलब कितना परसेंट ये सब है, 60% 45% 30%, ठीक है। और 80% मरकरी इज़ एडिशनल, मरकरी इज़ नॉट देयर इन द BS6 नॉर्म्स। तो आपको ऐसी चीज़ें लिंक करते हुए कि हाँ वो तो सब है ही BS वाला, कुछ नया और है TPP में, ठीक है, याद रखोगे इसको। तो 2015 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक रिलीज करी थी गाइडलाइन, एक रूल अमेंडमेंट रूल निकाला था, उसमें ये बोला था कि जो भी ये चीज़ें निकल रही हैं, जो हमने देखा ना पर्टिकुलेट मैटर है, सो NOx मरकरी एंड वाटर, तो ये सारी चीज़ों में प्रिस्क्राइब कर दिए स्टैंडर्ड। उस रूल में ये बोला कि 2015 में रूल आए और ये बोला कि 2017 तक ये आपको ये जितने भी चीज़ें एमिशन वगैरह है, जो भी जितनी भी चीज़ें हमने अभी देखी एमिशन हो रही हैं, उन सबको न्यू नॉर्म्स उनके इंट्रोड्यूस कर दिए कि आपको ये रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करने के अलावा
उन्होंने डिफ्रेंशिएट करा था पावर प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेट के 31 दिसंबर 2003 के पहले वालों के लिए अलग टाइमलाइन थी, मतलब टाइमलाइन मतलब उनके जो नॉर्म्स थे जो भी कि कितना कम करना है क्या कम करना है वगैरह वगैरह, तो वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, बस ये याद रखो कि हाँ ऐसा कुछ था, अलग अलग टाइमलाइन के बेसिस पर दिया गया था उनको टारगेट। ये सारी चीज़ें आंसर वगैरह में यूज़ कर सकते हो कि कभी भी कोई चीज़ वन साइज़ फिट ऑल नहीं होती है, ठीक है। तो कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी आपको ऐसी चीज़ें एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं, कभी कभी कोई पॉलिसी है तो एमसीक्यू में ऐसा ही अगर लिखा होगे इस पॉलिसी का जो इनिशिएटिव वो ये है कि वन साइज फिट ऑल करना है, तो ऐसा जनरली आजकल देखने को नहीं मिलता, या जो थोड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी मेकिंग होती है वन साइज फिट ऑल इज समथिंग जो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वन साइज फिट ऑल में दिक्कत आती है। जितनी चीज़ें मतलब जो हर चीज़ की एक अलग वो होती है, इवन एनवायरमेंट में एक नाइस का कॉन्सेप्ट होता है, नीच का, NICHE नाइस का जो भी बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो होता है, वो हर स्पीसीज का यूनिक होता है। ऐसे ही कोई पॉलिसी होती है तो उसमें जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा मतलब पावर जो है ज़मीन में रहेगी लोकल लेवल पर होगी उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो कहीं भी वन साइज फिट ऑल इज समथिंग जो बहुत ही पाप कर दिया एक तरीके का, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, वही चीज़ यहाँ कि वन साइज फिट ऑल नहीं है, थोड़ा पहले डेटेड बना के अलग अलग कर दिया है, बस इतना जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ये है कि OTBCC जो सिस्टम है, वो BCC इज BBC नहीं है, ये BCC है, ठीक है। OTB मतलब वंस थ्रू अ बेस्ड कंडेंसर कूलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है सिंपली के जो OTBCC है कि एक बार पानी आया यूज़ हुआ और पानी फिर वेस्ट वो नदी वदी में नदी तालाब में छोड़ दिया, ठीक है। उसको रीयूटिलाइज नहीं किया कि वापस फिर से एक बार यूज़ कर लो, ऐसा नहीं किया। OTBCs में क्या है, वंस थ्रू का मतलब एक ही बार होता है, ठीक है। तो एक ही बार होता है और फिर निकल जाता है। तो इस सिस्टम को चेंज करके रीसर्कुलेशन टाइप, मतलब एक पानी गया फिर मशीन में जो भी टर्बाइन वगैरह है, मान लो टर्बाइन घुमाई जा रही है, ठीक है, टर्बाइन घूमता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कटती है, एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। जैसे सिंपल है, जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं, नॉन साइंस वाले हैं, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर क्या होता है, उसको घुमाते हैं, वो डीजल से घूमता है और वो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब उसके घूमने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर इफेक्ट पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। सेम गोज विद ऑल द टर्बाइन, जितनी भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हर चीज़ में यही होता है कि टर्बाइन हमें बस घुमाना है, टर्बाइन घूम गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो जो टर्बाइन वगैरह घुमाने के लिए, ऐसे ही कहीं पे मान लो कि टर्बाइन घुमाने के लिए वाटर यूज़ हो रहा है, मतलब वो वाटर फ्लो हो रहा है तो टर्बाइन जो है वो घूम रहा है, ठीक है। तो टर्बाइन या घूम रहा है तो एक बार हमने घुमा के पानी को फिर से नदी में डाल दिया, वो पानी ख़राब हो गया तो उसको दोबारा यूज़ रीयूटिलाइज करो, दिस इज समथिंग वो इसका क्रक्स है। आई होप यू आर गेटिंग, सो दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और टेक्नोलॉजीज़ हैं इन सो फार एज इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड। पहली है FGD, मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। देखो सिंपल ये समझो कि जो हमारे कंट्री में जो हमारे मतलब थर्मल पावर प्लांट हैं, जो हमारा कोल है वो बैड क्वालिटी का है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि उसमें SO2 कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। जब कोल की बात होती है तो ऐसा कभी मत करना कि CO2 सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, नहीं, SO2 इज द मेजर प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू कोल का जो बर्निंग वगैरह होती है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे FGD लगा होता है, फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। मतलब जो फ्ल्यू गैस है उसकी हेल्प से डीसल्फराइज किया जा रहा है उस एमिशन को, मतलब जो धुआं वगैरह आ रहा है उसमें SO2 को कैसे हटाना है। तो इसमें क्या होता है, फ्ल्यू गैस जो होती हैं फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट की, ये सब यूज़ होता है, रिमूव करा जाता है SO2 इनकी हेल्प से, फ्ल्यू गैस की हेल्प से। ये क्या होता है, यहाँ पे वेट और ड्राई प्रोसेस होता है। देखो दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है ड्राई FGD और एक होता है वेट FGD। ड्राई FGD जो होता है, इन द प्रोसेस ऑफ ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम, यहाँ पे ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ होता है और लाइम के साथ रिएक्ट कराया जाता है। और लाइम इज समथिंग जो आपको याद रखना है, वज वर्ड इज लाइम ओनली, ठीक है। तो लाइम को यूज़ कराया जाता है और लाइम का यूज़ कराया जाता है और ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। फिर एक कुछ रिएक्शन वगैरह होगी और इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। सो आप याद रखिए, बस सिंपली ड्राई इंजेक्शन, ड्राई FGD में ड्राई इंजेक्शन टेक्निक जो है, ड्राई
हाई स्क्रबिंग इंजेक्शन टेक्निक है उसको यूज़ करके रिएक्ट करा जाता है लाइम के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो वेट एफजीडी है, वेट एफजीडी में अभी ड्राई में सिंपली ड्राई इंजेक्शन इंजेक्शन करा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा उसको स्लरी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। स्लरी का मतलब क्या है कि उसमें पानी वानी थोड़ा, मतलब एक लिक्विड में उसको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो शॉवर ऑफ लाइम स्लरी, पहले क्या था सिंपली लाइम था, मतलब सूखा हुआ एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ड्राई प्रेशर ड्राई इंजेक्शन था वो, अब वेट है, वेट का मतलब स्लरी के फॉर्म में जो लाइम है वो रिएक्ट करता है, इसलिए से वेट एफजीडी बोलते हैं। सिंपली क्या होता है वो रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, मतलब SO2 के साथ, और SO2 वगैरह उसमें कंबाइन हो जाता है और वेट कैल्शियम सल्फाइड वगैरह बन जाता है। पूरा रिएक्शन याद नहीं करनी है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि लाइम को ड्राई इंजेक्शन प्रोसेस से और दूसरे वाले में स्लरी के साथ मिक्स करके लाइम को इसमें रिएक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एफजीडी वेस्ट वाटर कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ट्रीटेड यूजिंग द लार्ज फिल्टर प्रेसेस और लार्ज वैक्यूम बेल्ट फिल्टर्स। फिर बाद में जो वेस्ट वाटर होता है एफजीडी जिसमें है, ठीक है, उसको यूज़ कर लिया जाता है फिल्टर वगैरह। इसके अलावा सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ये एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी, ये भी मतलब आप 11th 12th की NCERTs वगैरह पढ़ोगे, साइंस वगैरह में मिलेगा देखने को ये वर्ड, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। यहाँ क्या होता है, अमोनिया यूज़ होता है। अभी क्या ऊपर क्या किया था हमने, लाइम यूज़ किया था, ठीक है, अब अमोनिया यूज़ होता है फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे NOx को सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। NOx मतलब पॉल्यूटेंट, हमने देखा NOx इज द पॉल्यूटेंट, हमने देखा था इंडस्ट्रीज में, अभी ऊपर NOx भी था, SO2 भी था। SO2 के लिए क्या किया जा रहा है, FGD लाइम का यूज हो रहा है ड्राई और वेट में, हमने अभी देख लिया है। अब जो NOx है उसके लिए हम ये यूज करते हैं, यहाँ पे क्या होता है उसे N2 में कन्वर्ट किया जाता है। N2 आपको पता है कि एटमोसफेयर में 78% N2 है, इट मीन्स कि N2 का कोई इशू नहीं है, ठीक है, N2 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसमें कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के लिए कैटालिटिक नाम क्या है, SCR, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है। तो कैटलिस्ट कहाँ से आएगा, कैटलिस्ट इज यूजली अ मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम, यहाँ पे देखो ऐसे याद रखो इसको, किसका मिक्सचर होता है कैटलिटिक, 2, 3 और 5, 2+3=5 होता है ना, तो एक में डाइऑक्साइड है, एक में ट्राइऑक्साइड है, एक में पेंटाऑक्साइड है, ठीक है। तो 2+3+5 ऐसे तीनों चीज़ें हैं, 2, 3, 5 ऐसे कुछ होता है, 1 और 1=11 ऐसे 2 और 3=5, ठीक है, ठीक है, ये याद रखोगे। अब जो डाई है, अब देखो यहाँ पे टाइटेनियम है, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो टाइटेनियम यानी टाइटेनियम। तो आप कहोगे कि टंगस्टन क्यों, फिर कैसे बदले, देखो यहाँ टंग है, TUN, तीन है ना, ये टू है, ये तीन है, तो तीन का मतलब टंगस्टन ट्राईऑक्साइड, ये जो नंबर दिखा रहा है ये ऑक्साइड दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो ताकि आप कहीं एलिमिनेट वगैरह कर सको। और ये जो दूसरा वाला है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो यहाँ वेनेडियम रहेगा, TT में टाइटेनियम टिट, मतलब टाइटेनियम ऐसा कुछ TIT, और यहाँ पे ये जो है दूसरा वाला जो है TUN टंगस्टन, ठीक है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो ताकि एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। SCR कैन रिमूव 60-90% ऑफ फ्रॉम द फ्यूल गैस, फ्लू गैस जो है उसमें से 60-90% NOx रिड्यूस हो जाता है। तो आप, हमने अभी देखा था NOx इज द मेजर प्रॉब्लम, तो उसी के यहाँ पे बात हो रही है, NOx पे प्रॉब्लम थी, ये हमने देखा था डेटा कि SO2 45% SO2 और 30% NO2, हमने दोनों को देख लिया कैसे सॉल्व करना है उन प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन, ये भी जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, यूरिया अमोनियम और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन हाइड्रस अमोनिया, तो अमोनिया के अलग अलग वेराइटी प्लस यूरिया इज देयर, यूरिया इज समथिंग जो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या था वर्ड, पहले था आपका जो लाइम था, ठीक है, फिर क्या था, फिर आपका ये दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में आपका अमोनिया था, अब क्या है, अमोनिया तो है ही प्लस यूरिया नया आ गया नॉन सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक वाले में। यहाँ बस कैटलिस्ट नहीं होता, यहाँ कुछ ऐसा मिक्सचर नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन कराई जाती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह और वो सब देखे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कैटलिस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने वहाँ 2, 3, 2, 3, 5 किया था, यहाँ 3, 2, 5, 2, 3, 5 कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो जो फाइन पार्टिकल जिसमें जो चार्ज्ड वगैरह होते हैं तो उसकी हेल्प से करा जाता है। जैसे इमेजिन करो, लेट्स मी शो दिस थिंग एज वेल, जैसे मान लो यहाँ से गैस निकल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होगा, यहाँ दोनों जगह वो लगे होंगे, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है,
ठीक है, यहाँ से गैस निकल रही है, तो क्या होगा गैस निकलते टाइम, जैसे ये मान लो चिमनी है, चिमनी में ये लगा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो क्या हो रहा है यहाँ से मान लो गैस निकल रही है, तो इसमें जो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, मतलब इम्प्योरिटीज़ भी तो चार्ज्ड होती है ना, तो जो चार्ज्ड वाली चीज़ें होंगी वो जैसे निगेटिव है तो इधर चिपक जाएगी जाके, पॉजिटिव है तो इधर रिएक्ट, मतलब समझ रहे हो, तो इस वजह से क्या होगा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यहाँ पे जो चार्ज्ड होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मिनिमली इम्पीडिंग द फ्लो ऑफ गैसेज थ्रू द यूनिट, ठीक है, तो इस फोर्स की हेल्प से उसको अलग कर लिया जाता है, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट अलाउड टू यूज कोल विद हाई एस्ट कंटेंट। देखो इंडिया में जो देखो कोल जो है वो चार तरीके का होता है, पता होगा आपको, नहीं पता है तो पढ़ लेना इनके बारे में, ज्योग्राफी का पार्ट है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। पीट सबसे लो क्वालिटी, ये क्वालिटी डिक्रीजिंग हो रही है, सबसे अच्छी क्वालिटी 80-90% के आसपास, यहाँ पे 90% मतलब टॉपर जो है शर्मा जी का लड़का है वो एंथ्रासाइट है, फिर बिट्यूमिनस है, फिर लिग्नाइट है, फिर पीट है। इंडिया में एंथ्रासाइट नहीं है इतना ज़्यादा, इंडिया में जो बिट्यूमिनस लिग्नाइट है इनकी क्वांटिटी ज़्यादा, बिट्यूमिनस और ये सब चीज़ें हैं, तो इस वजह से कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन उसको कार्बन कंटेंट जो है मतलब वो मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन, ऐश कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है, जो नीचे वाले हैं ख़राब क्वालिटी के। तो बेसिकली एक गाइडलाइन लाई थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, जो भी है कंटेंट जो है, जैसे द ओवरटन 2014 में एक रेगुलेशन लाए थे जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हैं वो के 34% से ज़्यादा अगर ऐश कंटेंट है तो ऐसे कोल को यूज़ नहीं किया जाएगा। और इंडिया में अगर ये एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट वाला कॉन्सेप्ट देखो तो इंडिया में ये जो है वो 45 मतलब उसमें ऐश कंटेंट अच्छी खासी ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। सो इस वजह से ये काम किसको, मतलब कोल जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते थे थर्मल पावर प्लांट, 34% से ज़्यादा ऐश कंटेंट है तो उसकी, तो उनको क्या करना पड़ता था, उसको उसको उसकी ऐश कंटेंट को यूज़ करने से पहले कम वगैरह करना पड़ता था, टेक्नोलॉजी वगैरह लगेगी ऑब्वियसली, तो इससे उनका खर्चा बढ़ रहा था तो वो करते नहीं थे, उससे बढ़िया वो इम्पोर्ट करने लगे थे ज़्यादा, ठीक है। तो मैंडेट करने की वजह से वो इम्पोर्ट वगैरह बढ़ रहा था, उससे क्या होता था, इम्पोर्ट करोगे तो पता है आपको कैसे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट और वगैरह वगैरह, तो इस वजह से वो रेगुलेशन जो है उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, उसको एक तरीके से यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया गया है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। न्यू नोटिफिकेशन में ये जो है चेंज कर दिया गया है, बस दैट इज़ द मेन क्रक्स, ठीक है। बाद में देन वी हैव द अमोनिया पॉल्यूशन, देन वी हैव द अमोनिया पॉल्यूशन रिसेंटली अमोनिया गैस, ये जो इफको है ना, IFFCO, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया रिलीज हो गई। अमोनिया एक कलरलेस हाई रिएक्टिव और सॉल्यूबल एल्कलाइन गैस है, याद रखना यहाँ पे हमने कलरलेस कहा है, हाईली रिएक्टिव कहा है और सॉल्यूबल एल्कलाइन गैस कहा है, ठीक है, एल्कलाइन है, कलरलेस कहा है, ओडर मतलब ऐसा नहीं बोला है कि स्मेल नहीं है, ओडरलेस मतलब वो सब नहीं बोला है, ठीक है, तो स्मेल है पंजेंट, मतलब ऐसी स्मेल होती है इसकी बेकार सी, ठीक है। तो अमोनिया इवन इस पर CDS में क्वेश्चन आ चुका है, तो CDS क्योंकि UPSC ही CDS कराता है तो वो आपको पता होना चाहिए, जो यूरिनेशन होता है वो उसमें स्मेल का रीज़न क्या है, ये UPSC ने पूछा था जनरल साइंस में, मतलब CDS में, तो उसमें क्या होता है, यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, जो यूरिक एसिड है मगर जो ये सारा चीज़ें हैं, तो वेस्ट मटेरियल, यूरिक एसिड, यूरिया जो भी होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, कोई ऐसी प्रोसेस होती है, इस वजह से वो ऐसी बैड स्मेल और ये सब होता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात इसलिए क्योंकि UPSC ऑलरेडी अमोनिया पे या इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ चुका है CDS में, तो CDS के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, या उस थीम पर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में अभी, तो ये थीम जो है अमोनिया की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमोनिया का ये जो कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है, हाईली रिएक्टिव है और सॉल्यूबल एल्कलाइन गैस है, और प्रोमिनेंट नाइट्रोजन साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन साइकिल भी आपको पता होगी जनरल स्टडीज़ की हेल्प से, और सिंपल है, अमोनिया लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है अंडर हाई प्रेशर, और गैसियस फॉर्म में होती है एट अ लो टेम्परेचर, और नेचुरली प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में, और अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल उसमें कैसे अमोनिया यूज़ होती है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एमिशन, तो अमोनिया का भी सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, NH3 बेस्ड जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं वो सारे भी इसके सोर्स हैं, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। यूजेस जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग और फर्टिलाइज़र में यूज होता है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स क्या हैं अमोनिया पॉल्यूशन के, सबके साथ जितने स्टेक होल्डर हैं सबको कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रही है। एनवायरनमेंट में देखें तो क्लाइमेट चेंज में ये अफेक्ट कर रही है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जो है तो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। एयर पॉल्यूशन में आपको हेजी कंडीशन और अमोनिया जो है ऑक्साइड पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स इन द एटमोसफेयर की तरह काम करती है, वाटर में जाती है तो ऑर्गेनिज्म और जो भी वहाँ पे एल्गल ब्लूम वगैरह, क्योंकि अमोनिया है तो न्यूट्रिफिकेशन बढ़ेगा यानी यूथ्रोफिकेशन होगा एक तरीके से, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो उससे क्या होगा, एल्गल ब्लूम और वो सब होगा, और इससे क्या होगा, प्लांट लाइफ एक्वाटिक लाइफ अफेक्ट होगी, इकोसिस्टम डैमेज भी कर देता है यूथ्रोफिकेशन और एसिडिफिकेशन। और अमोनिया जो है वो ह्यूमन से भी इफेक्ट, ह्यूमन को भी इफेक्ट करती है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्किन उसके साथ ट्रैक टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कॉस्टिक एंड डिसरप्ट विच इज़ वेरी कॉस्टिक एंड डिसरप्ट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो हमारी बॉडी में या कहीं पर भी जो भी वाटर मॉइस्चर है आइज़ में ओरल कैविटी कहीं पर भी, तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है रिएक्ट करके, और उससे सेलुलर डिस्ट्रक्शन हुई है सब भी होता है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द अमोनिया। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है, रिसेंटली इंडो गैंगेटिक प्लेन को डिक्लेयर किया गया है या उसको बोला गया है ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ एटमोस्फेरिक अमोनिया। किसने बोला है ऐसा, यहाँ पे याद रखना ये जो हॉटस्पॉट बोला है ना, ये किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या कंजर्वेशन इंटरनेशनल या किसी एनजीओ इंटरनेशनल ने नहीं बोला, ये आईआईटी खड़गपुर की स्टडी ने बोला है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन डिक्लेयर करता है और ये वाला हॉटस्पॉट क्या है, ये दोनों में अंतर है, याद रखना इसको। तो स्टडी ने ये बोला है जो इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन है, मतलब जो पूरा गंगा का जो रीजन है, जो यूपी बिहार और फिर ये पूरा वेस्ट बंगाल और ऊपर उत्तराखंड, तो ये पूरा जो रीजन है गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन इज द ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ NH3 ड्यू टू इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो फर्टिलाइजर यूज होता है, प्लस जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी है तो वहाँ पर भी NH3 रिलीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ NH3 विद टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन एंड टेम्परेचर, सिंस हाई टेम्परेचर फेवर्स वोलेटलाइजेशन, ठीक है। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ कोरिलेशन इज देयर। इसके अलावा ग्रीन अमोनिया, तो ग्रीन अमोनिया बहुत सारे, जैसे हमने ग्रीन कार्बन भी जैसा होता है, एक ग्रीन हाइड्रोजन भी होता है, ऐसे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन चारकोल भी अभी न्यूज़ में रिलेटेड वो इसी मैगजीन में आपको मिलेगा। ग्रीन अमोनिया क्या है कि ग्रीन अमोनिया रेफर्स टू अमोनिया विच हैज़ बीन प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस जहाँ पे 100% रिन्यूएबल कार्बन फ्री, जैसे अमोनिया को जो कन्वर्ट करा जाता है, मान लो अमोनिया की रिएक्शन करानी है, क्या लाना पड़ेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू NH3, ठीक है, यही तो होगा रिएक्शन। तो ये हैबर्स प्रोसेस वगैरह से बनती है, ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए तो ये प्रोसेस है, लेकिन अब चाहिए होगी हीट, क्योंकि हीट चाहिए होगी, अब हीट चाहिए है, कुछ करना है, मतलब इनपुट चाहिए है, तो उसको हीट लाओगे कहाँ से। अगर वो हीट कोल जला के ला रहे हो तो ग्रीन नहीं है, अगर वो चीज़ नेचुरल गैस से ला रहे हो तो भी ग्रीन नहीं है। वो ग्रीन कब होगी, जब आप उसे रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर आओगे, कार्बन फ्री और रिन्यूएबल एनर्जी, समझ गए। तो इसलिए उसे बोल देंगे ग्रीन अमोनिया, ठीक है। ये जितने कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन हाइड्रोजन में जो भी कंपोनेंट हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, सारी चीज़ें उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन की, कैसे उसे प्रोड्यूस किया गया, उस पर डिपेंड करती हैं। तो आगे के लिए भी आप क्वेश्चन जो हाइड्रोजन का टॉपिक जब आएगा तब हम उसे देखेंगे, वो न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ बजट में उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट वगैरह या उससे रिलेटेड करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, सो दिस इज इट। और मैंने सोचा तो था कि मैं पूरा कवर कर दूंगा इसको, लेकिन अभी मैं इसको एक टॉपिक और कराता हूँ, उसके बाद ये जो वाटर पॉल्यूशन है ये मैं अगले टॉपिक में करूँगा। इंडोर एयर पॉल्यूशन रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लैंसेट जर्नल जो है उसने ये हाईलाइट किया है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है उसने 64 फीवर डेथ वगैरह की है वगैरह वगैरह। नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट से कभी क्वेश्चन नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि किसने कितना बोला, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इंडियन इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या है। इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि हार्मफुल केमिकल और अदर मटेरियल से वो इंडोर एयर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अभी हम देखेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। सीवियरिटी ये है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने ये बोला कि इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है 2.5 टाइम्स हायर देन द आउटडोर पॉल्यूशन,
ठीक है, आउटडोर पॉल्यूशन तो सबको दिखता है कि हाँ दिल्ली में फॉग आ गया, स्मोग आ गया और ये हो गया वो हो गया, लेकिन इंडोर वाला तो नहीं मेज़र किया जाता ना, जो नाकी है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ना, जो सफ़र है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो मेज़र करता है ये सब, तो वो तो सब बाहर लगे हुए हैं ना दुकान, मतलब जो मतलब चौराहों वगैरह पे लगे हुए, चौराहे वगैरह पे लगे हुए हैं, वहाँ लगे हुए, घर में थोड़ी ना कोई मेज़र कर रहा है। तब भी आप इमेजिन करो 2.5 टाइम्स हायर होता है घर में, ऐसा बोल दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की एक स्टडी ने, तो आप समझ सकते हो ये सीरियस क्यों है। ये सीरियस ना इसलिए नहीं है कि घर में है, ये सीरियस इसलिए और है क्योंकि 80% से ज़्यादा टाइम हम अपने घरों में बिताते हैं, रात के वो सोने का टाइम, मतलब आप ऐसा समझो 10 से 5 कोई अगर ऑफिस जाता है या नॉर्मल कोई स्टडी वगैरह स्कूल कॉलेज बच्चे जाते हैं या स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो बस उतना ही टाइम तो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर तो टाइम वो पूरा ना 80% टाइम, मोर देन 80% घर में रहते हैं, और जो हाउस वाइफ्स वगैरह होते हैं वो तो मतलब उनका तो पूरा टाइम घर में ही जाता है, ठीक है। तो दैट थिंग इज़ देयर और दैट थिंग इज़ द प्रॉब्लम, और इसी वजह से जब इनिशिएटिव, अभी हम इनिशिएटिव भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्टेक्स्ट यही सब है। इंडोर एयर पॉल्यूशन मैंने उस दिन थोड़ी सी हिंट दी हुई थी, मैंने बोला भी था कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह भी होते हैं, वो तो होता ही है, शुरू से एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इंडोर एयर पॉल्यूशन, आ कहाँ से रहा है ये, इसको कौन ला रहा है। तो और हमने इसको इससे रिलेटेड हमने ये भी देखा था कि जो इस बार की एमिशन गैप रिपोर्ट है उसने भी बोला कि प्राइवेट जो प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट मतलब घरों वगैरह में एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो हमने देखा था न्यूज़ में। तो उसी के टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि IPCC वगैरह की रिपोर्ट वगैरह भी आई हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें बोली हैं, उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें लिंक की थी, ठीक है। इंडोर एयर पॉल्यूशन पे वापस आ जाते हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है। एयरबॉर्न पार्टिकल्स मतलब सिंपल जो कार्बन वगैरह बाहर से अंदर आ जाता है, डस्ट स्मोक वगैरह एयरबॉर्न जो भी है, देन हाउस होल्ड ओडर एंड गैस है, जो किचन वगैरह में जो स्मेल्स हैं, पेट स्मेल है, ठीक है, किचन वगैरह से जो कुकिंग ऑर्डर्स है, ठीक है, जो खाना बनता है तो वो सारी चीज़ें, सिगरेट कोई स्मोक कर रहा है वो है, केमिकल सिंक और ड्रेन स्मेल्स, तो ये सारी चीज़ें ये सब पॉल्यूशन में ही काउंट होती हैं, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। ऐसा नहीं पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2, NOx और वो सब, ठीक है, पॉल्यूशन में ये भी आता है इंडोर में, प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पेंट है, ग्लू है, इन सब में जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, तो आपको जैसे पेंट है ये सारी चीज़ें, इनमें स्मेल एक अलग होती है थोड़ी सी, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये बहुत सारे ऐसे ये केमिकल्स हैं, कोई केमिकल ऐसे रिएक्ट कर रहा है, वोलेटाइल है, वो है तो दीवार पे लेकिन वो उससे कुछ रिएक्ट करके कुछ और हो रहा है। इवन जो जब हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम, जब हमने बात की है, जब कमेटी ने बोला दिल्ली एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह को पेंट किया जाए, तो वहाँ पर भी एक कंसर्न यही है कि पता नहीं वो कैसे क्या रिएक्ट करेगा या क्या उसके कोई और साइड इफेक्ट वगैरह ना आ जाए, तो ये चीज़ें, और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं यहाँ पे, कोरोना वायरस टाइप के बैक्टीरिया वायरस फंजाई वगैरह, ओके। इसके अलावा इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्नत चूल्हा अभियान पहले से चल रहा था जहाँ पे बात होती है इम्प्रूव बायोमास कुक स्टोव की, प्लस सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन क्योंकि बहुत इसकी तारीफ हुई है और इसमें हैं चीज़ें ऐसी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज समथिंग जो कनेक्शन दिए जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा यूज़ किया जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक रेज है इनिशिएटिव EESL का, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है उसका इनिशिएटिव है, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग इन एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, ठीक है, सिंपल है, आप बस याद रखिए रेस किसका प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा EUA और USAIDB US की ये जो एजेंसी है ये और है यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गए इंडियन के लिए, इंडिया के लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर आपका है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुकिंग कुक स्टोव, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, ठीक है। अब EESL यहाँ लिखा हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL जो है ये आपका चार उसका मिला के बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अलग अलग एजेंसी जैसे NTPC अलग अलग PSU उसको मिला के इसको बनाया गया है, NTPC इज फर्स्ट हेयर, ठीक है, NTPC के अलावा, NTPC में पी का मतलब पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC में पी का मतलब पावर, एक है
आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, एक है आपकी पावर ग्रिड, तीन पावर हो गए, और इसके अलावा चौथी जो है वो है आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काउंसिल। याद रखना इन चारों PSUs को मिलाकर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का को बनाया बनाया गया है, और ये जो EESL है ये एनर्जी सर्विस कंपनी है इंडिया में, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव है इन सो फार एज़ द एनर्जी एफिशिएंसी इज कंसर्न, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड में भी इसका बहुत ही नाम है। बस आप ये याद रखना कि ये किस कौन सी PSU इसको मिलकर बना रही हैं, ठीक है। तो NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड और REC, ये सारी PSUs वगैरह हैं। NTPC आपने सुना होगा, अभी सुना था थोड़ी देर पहले भी, तो NTPC वगैरह ये चार हैं। ऐसे ही आपको और भी याद रखने इनिशिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में जो गैसिफिकेशन वगैरह किया जा रहा है, गैस पाइपलाइन वगैरह लगाई जा रही हैं, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में उसके लिए इंद्रधनुष नाम का एक बनाया गया, उसमें भी ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मतलब ऐसे कुछ आपको दो चार नाम वहाँ पे भी मिलेंगे। तो आप ऐसे इन चीज़ों को याद रखिए, उसको आप सर्च करिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट में गैस का जो गैस पाइपलाइन है वहाँ पे कौन कौन पार्टीज़ ऐसे एक अलग से PSU बना रही हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको EESL की पता चल गई। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है, इसके कुछ इनिशिएटिव याद रखना कि क्या क्या किया जा रहा है इसके द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको एक उजाला आपने स्कीम सुनी होगी, उजाला, उसमें क्या होता है, ये LED वगैरह बल्ब वगैरह सप्लाई दिए गए थे। ऐसे और भी थे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको देखने को, उजाला तो हो गया, ये LED वाला हो गया, और इसको LED फॉर ऑल ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म था, उजाला इज द इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद EESL। इसके अलावा इसने फैन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, और एक SLNP, ठीक है, उजाला और SLNP आर इम्पॉर्टेंट। SLNP क्या है, स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोजेक्ट था ये, ठीक है, और उजाला जो है वो उन्नत जो कुछ ऐसा फुल फॉर्म था, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट करेक्टली, लेकिन उजाला जो है वो है, और ये EESL का इनिशिएटिव है, और ये स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोग्राम भी इसी का है, ये रेज वाला प्रोग्राम भी इसी का है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग की जा रही है। इसके अलावा एयर कंडीशन याद करोगे तो फैन भी कर लेना, फैन भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बाई EESL। हर चीज़ एनर्जी एफिशिएंट है, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा एक सुपर एयर कंडीशनर भी इन्होंने बनाया था, वो आपको याद रखना है कि सुपर AC किससे एसोसिएटेड है, कौन लेकर आया था, वो भी आपका यही लेकर आए थे, ये जो आपके कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, EESL वाले लोग, ठीक है। तो सुपर एफिशिएंट AC जो है 3-star AC से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसकी भी बात हुई थी। ये जो रेज है ये अलग है, सुपर एफिशिएंट AC अलग है। तो आप ऐसे 5-6 इनिशिएटिव आपने पढ़ लिए, प्लस आपने ये चीज़ देख ली, ठीक है। ऐसे इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले CSIR पढ़ा था, आप प्लीज़ गूगल कीजिए CSIR के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, आपको पता चलेगा कि CSIR के बहुत सारे इनिशिएटिव, राइट फ्रॉम योर एनवायरनमेंट टिल द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन, बहुत इनिशिएटिव हैं, और हर इनिशिएटिव अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। उसको आप खुद कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं कहीं पर उसे साइंस एंड टेक की जब मैं मैगजीन लाऊंगा तब मैं उसको बताने की उसमें ट्राई करूंगा, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़, इंडिजीनियस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक सेल, दिस इज ऑल्सो देर, आप इसको बस रीड कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा जानने को है नहीं क्योंकि इतने जेनरिक पॉइंट हैं, कोई स्पेसिफिक फैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। ओके, सो दिस इज़ इट एंड आई होप यू आर गेटिंग। मैंने सोचा तो कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया, आई वॉज थिंकिंग कि पूरा इसको कवर कर देंगे, लेकिन वाटर पॉल्यूशन वगैरह अगर मैं करने जाऊँगा तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा और फिर आप भी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसको यहीं पर हम रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम इसको जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एयर पॉल्यूशन हमने कवर कर लिया है, और कल के टॉपिक में, कल जो वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, स्टॉकहोम और ये पूरा कवर कर देंगे। फिर जो बायोडाइवर्सिटी आएगा, उस बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में हम लोग फिर ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और इसको पूरा धीरे धीरे कवर करेंगे। दिस इज़ इट फॉर द डे, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। लाइक वीडियो करोगे तभी वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा, सो प्लीज़ लाइक दिस सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड बाई योर लाइक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।